ओम शांति। आज 25 जुलाई 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। उसी बात को लेकर बाबा ने कहा जाता है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। वास्तव में ये इस समय की बात है। मंजिल बहुत ऊंची है और इसीलिए संभल कर चढ़ना है, लेकिन जो चढ़ जाते हैं वो वैकुंठ रस का अनुभव करते हैं। हाँ, उसमें भी नंबरवार कच्चे और पक्के बच्चे जरूर होते हैं जो धीरे धीरे करते हुए उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन राहों पर बहुत संभल कर चलना है। साथ ही साथ बाबा कहे, तुम इस वक्त सतगुरु पोत्रे हो और ब्रह्मा बाप के द्वारा दादे का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के ये अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सिर्फ दो अक्षर याद करो, हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, ये गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परमधाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता है, बल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है, इन गीतों में भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। हर बात में कुछ न कुछ सीखने की, समझने की बातें जरूर है। समझते हो बरोबर, माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं। अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बुट्टी देते हैं। अगर कोई काम में तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है। बाबा कहे, किसी को काम का तूफान लगता, किसी को क्रोध का तूफान लगता है, तो गिरना होता है, या गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता, सन्यासियों से भी नहीं लग सकता, बल उन्होंने पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्होंने की कोई मंजिल नहीं है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है, वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं, बाकी राजाएं आदि की कोई मंजिल नहीं। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है, बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोत्रे, आज एक नया टाइटल मिला, तुम हो दादे पोत्रे। अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं, फिर कहेंगे ये सातवीं पीढ़ी है,
यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सत्युग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, यहां फिर तुम्हारी पीढ़ियां नहीं है, यहां फिर पीढ़ियां नहीं है। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियां, बस दादे पोतरे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये याद करना तो अति सहज है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव, उनसे मिलकैत मिलती है, कितनी सहज बात है। हम दादे पोतरियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी है। प्रजा पिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ, याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है, और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात है, वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ज्ञान दाता वह है, शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई है, वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादे से वर्षा ले लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दादे पोत्रे पोत्रियां हैं, बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पर पोत्रे तर पोत्रे कुछ नहीं है, दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परमपिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो, स्वर्ग के वर्षे को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे, अभी श्याम है, श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है, अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एजेड बन गई है, तो शरीर भी ऐसे है। सत्युग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने, उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है, कभी खाद नहीं पड़ती क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल कर हरकति दे देते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख और फिर सयाने से सयाने देखना हो तो यहां देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते, सिर्फ समझना है कौन सी दो बातें, हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजा पिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा,
दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजा पिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती, शंकर व विष्णु को प्रजा पिता नहीं कह सकते। प्रजा का पिता तो जरूर यहां होगा। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो, यह सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ही ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में है शूद्र, तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमद तो मशहूर है, श्रीमद भगवत गीता, उनसे क्या सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो, तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लेने लिए आए हैं। अच्छा, उसे क्या बने थे, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, श्री नारायण को वरा था या श्री राम को वरा। कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं, जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई न भूले, झट फारगती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं, ज्ञान के दो अक्षर धारण नहीं करते। हम सतगुरु पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहां बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना वर्षा पाएगा। कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है, यहां तो राजाई के मालिक बनते हो। पाठ तो यहां ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी ये कहां तक पहुंचा है। या नीचे वाले को कंट्रोल रूम में भी मालूम पड़ता कि भाई चंद्रयान कहां तक पहुंचा है, ऊपर चंद्रमा में क्या है, वो भी सारा देख सकते हैं। चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तप जाएंगे। इतना साइंस घमंड है, नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है, आत्मा जैसा तीव्र गति का रॉकेट और कोई नहीं है। तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा, बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहां से कहां उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी श्रूढ़ बुद्धि यानी जो तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है, लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, न परमात्मा ही ऐसा होता। वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है। कुछ भी समझ न सके, जब तक कोई सन्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ न सके। हम बल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं, वह तो बिंदी रूप है।
लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे, तो वह भक्ति मार्ग चलाया। बाबा कहे तब ये भक्ति मार्ग चलाया। पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं इसकी बुद्धि में ये ज्ञान न बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं, ऊंचते ऊंच भगवान है। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोतरे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। वह दादा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गौरे बन रहे हैं, फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो है ना, कई समझते हम बच्चे तो है ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं, फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना, मम्मा बाबा कहकर स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा। अरे सबसे ऊंच होता है तो फिर कर्जा क्यों उठाते, सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल क्यों बनते। यहां से बहुत धन ले गए, कर्म की गति भी बाबा समझाते, यहां से बहुत धन ले गए। कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना न निकाले तो कोई को नौकरी न मिल सके, नौकरी न मिले तो पालना कैसे करे। दुखी हो पड़े हैं इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है, बच्चों को बहुत दुख न हो उसके लिए ये युक्ति है। यहां से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, विदेशों में जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहां पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है तो फूलों पर भी प्यार है। बाबा के लिए तो सब बच्चे समान है, तो इसीलिए कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है तो फूलों से भी प्यार है। सब पतितों को आकर पावन करता हूं, कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूं, सबका सदगति दाता कौन, सबका सदगति दाता एक राम है, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी है फूल भी है, कायदे अनुसार। बाबा कायदा भी समझाते हैं साथ साथ में कि कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग के लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाप आया है। भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, उस समय दुनिया में सर्वोदया लीडर बनाते थे।
तो बाबा कहे सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने पर नाम रख दिया है, जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्व मनसब, कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर न सके, एक परमात्मा को ही आकर सर्व की सदगति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है ना। आप मुए मर गई दुनिया, आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी पॉइंट, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। शिव बाबा से हमें पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अशांत व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहां तो शांति का कुंड है, शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। बाबा कहे उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहां से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ। आज का स्लोगन है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति। क्लिक हियर टू लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस।